वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड ब्लड म्यूजिक प्रोडक्शन। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम FL स्टूडियो मोबाइल में कैसे वोकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें वोकल्स कैसे ऐड कर रहे हैं। बेसिकली आपको इसमें कोई ऑप्शन तो मिलेगा नहीं वोकल ऐड करने का, अगर ढूंढोगे तो क्या करना है, देख प्लस का साइन है, यहाँ पर जाओ ऑडियो क्लिप और यहाँ पर माई फाइल्स पर क्लिक करो। यहाँ पर सब कुछ एम्प्टी दिखा रहा है, मतलब फ़िलहाल कुछ भी नहीं इधर। तो क्या करना है, इसे काट दो यहाँ से। और अभी चलते हैं हम, माय फाइल्स में, ओके। और यहाँ पे तुम्हें एक फोल्डर मिलेगा FLM यूज़र फाइल्स के नाम से, देखो यहाँ पे। तो क्या करना है, अपनी ऑडियो फाइल लो जहाँ पे भी तुमने रखी हुई है। मैंने रखी हुई है डाउनलोड्स में। और इसमें यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ मुसाफिर, ये मेरा रॉ वोकल है, तो इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। मूव और बैक, और यहाँ से जाके इसे FLM में हम पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर ऑडियो में पेस्ट करना, ऑडियो फोल्डर में ये हमने पेस्ट कर दिया। वापस से जाएंगे, काटेंगे, अभी वहीं जाके देखना हमें। इसे कर देता हूँ बंद, इसमें जाते हैं, क्लिक करेंगे, देखिए क्लिप प्लस का ऑप्शन आ गया, इसे ऑप्शन करते हैं क्लिक और माय फाइल्स पे जाते हैं। अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा है, तो अभी हमें क्या करना है, FL स्टूडियो को काटना और रीलोड करना है। क्लोज, और यहाँ से FL स्टूडियो को चलाएंगे हम वापस से, और ये हमने वापस से इसे चला लिया है। अभी चेक करते हैं हम यहाँ पे जाके, इस पर क्लिक किया, माई फाइल्स, देखिए ऑडियो का फोल्डर आ गया है। और यहाँ पे देखो मेरा मुसाफिर वोक्स, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये टाइमलाइन में पहुँच जाएगा, पहुँच गया। इसे यहाँ पे क्लिक करो, ड्रैग करके आगे कर दो। ये तरीका था इसमें क्लिप ऐड करने का आसानी से। और फिलहाल कोई इसमें ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर कोई इससे भी ज़्यादा इजी मेथड हो तो, ताकि मैं सबको बता सकूं। तो ये हमारा ये है इसका ट्रैक। अभी हम चलिए इसकी मिक्सिंग तरफ चलते हैं। देखिए एक वार्निंग है, इसमें आपको कोई भी पिचिंग सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, या तो आप अपने वोकली कहीं से पिचिंग करवाओ या कहीं किसी ऐप से करो, बट इसमें पिचिंग के लिए कोई प्लगइन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बाकी सारे कंप्रेशन वगैरह, रिवर्ब वगैरह सब अवेलेबल है, EQ भी है, तो सिर्फ वही अवेलेबल है। तो चलिए इसे हम प्रोसेस करते हैं, इस वोकल को नॉर्मल पहले सुन लेते हैं कैसा है ये। और एक अच्छा ईयरफोन यूज़ करो मिक्सिंग करने के लिए, अपने वोकल प्रोसेसिंग करने के लिए, ताकि अच्छी वोकल प्रोसेसिंग हो जाए। लो क्वालिटी ईयरफोन होगा तो सही फ्रिक्वेंसी नहीं सुन पाओगे। अभी हम रो वोकल सुन लेते हैं पहले। जागी जागी राते मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह, तक है ये सांसें मेरी इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ, तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं, खोलूं पल के ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। बिल्कुल रॉ वोकल है, तो इस पर फ़िलहाल कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो क्या करते हैं हम, इस पर फ़िलहाल कोई भी वोकल प्रोसेसिंग नहीं की गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो हमें क्या करना है, एक इफ़ेक्ट ले लेते हैं हम इसके लिए। स्टार्टिंग में हम इसे EQ करेंगे। EQ कौन सा लेना, ग्राफिक EQ लेना है, ये काफ़ी इजी रहेगा। ये पेरीमेट्रिक EQ जैसा ही है दिखने में, तो ये काफ़ी इजी रहता है। इसमें आपको कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, बट ये हमें यूज़ नहीं करने, हम अपने खुद के ऑप्शंस यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम इसकी बैड फ्रीक्वेंसीज़ को हटाएंगे, नॉइज़ फ्रीक्वेंसीज़ को हटाएंगे, फिर उसके बाद हम इसे एनहेंस करेंगे जैसे हम FL स्टूडियो डेस्कटॉप में करते हैं।
अब चला के देखते हैं एक बार इसको। जागी जागी रातें मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की। वो कॉल आ गई थी बीच में, तो चलिए शुरू शुरू करते हैं अब। ओके, तो ये हमने इसकी नॉइज़ घटा दी, अब हम इसकी कुछ और बैड फ्रिक्वेंसीज को घटाएंगे। जागी जागी रातें मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह। जब तक है ये सांसें मेरी, इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ। तो अभी मैंने इसकी कुछ फ्रिक्वेंसीज को घटा दिया है और अब हम एक EQ लेंगे एनहेंसमेंट के लिए। EQ सेकंड वाला, अभी हम यहाँ से इसकी एनहेंसमेंट करेंगे। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं, वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूं आंखों में मैं, खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझ। ये हमारी एनहेंसमेंट हो गई, ज़्यादा ओवर नहीं करना है, फिर वो बनावटी लगेगा वोकल तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और अभी हम एक ले लेते हैं यहाँ पे स्टीरियोराइजर। जागी जागी रातें मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह। जब तक है ये सांसें मेरी, इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे। मेरी दुआ तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं, वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूं आंखों में मैं, खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। जागी जागी रातें मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह। जब तक है ये सांसें मेरी, इन पे है सदा। थोड़ा सा पहले डिस्टोर्शन ले लेते हैं यहाँ से, ताकि क्वालिटी, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई सॉसेज फैटनर तो है नहीं, तो डिस्टोर्शन से ही काम चलाना पड़ेगा। सॉफ्ट, ओके। तेरा पूरी है तुझसे मेरी दुआ, तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं, वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूं आंखों में मैं, खोलूं पलके। डिस्टोर्शन लगाने से क्या होगा, थोड़ा सा हिस का साउंड आएगा जो और प्रोफेशनल साउंड कराएगा हमारे वोकल को। अभी नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक लिमिटर, क्योंकि जो अनवांटेड साउंड है, जो एक्सेस में जा रहा है, उसे लिमिट में भी करना है। तो थ्रेशोल्ड हम कर देते हैं थोड़ा माइनस में, इतना एक बार चला के देखते हैं। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं, वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूं आंख। ये सब चीज़ें जो भी मैं कर रहा हूँ, इस पे कुछ ग्राफिकली तो दिख नहीं रहा है। ग्राफिकली दिखेगा तो ज़्यादा बेटर हम कर पाएंगे,
बट ये सब मैं अपने कानों के भरोसे से ही कर रहा हूँ कि हाँ भाई सुनने में कितना बेटर लग रहा है वो। ठीक है, तो आपको भी अपने कानों का सहारा लेना पड़ेगा, और कानों को सहारा देगा आपका हेडफोन या फिर कोई ईयरफोन अगर आप अच्छा से यूज़ करेंगे तो। नेक्स्ट हम लास्ट में एक यूज़ कर लेते हैं रिवर्ब। ओके, रिवर्ब यहाँ पे। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं, खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। जागी जागी रातें मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह, जब तक है ये सांसें मेरी इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं, खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। जागी जागी रातें मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह, जब तक है ये सांसें मेरी इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं, खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। इसको थोड़ा मिक्स लेवल और कम कर देते हैं। आप वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी सेटिंग कहाँ कहाँ पे की है, क्योंकि एफएल स्टूडियो मोबाइल काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर है, तो इसमें इतने ब्रॉड चीज़ें भी नहीं दे सकते कि ग्राफिकली ही दे देंगे, बट जितना है उतने में हमें काम चलाना पड़ेगा। एक डिले देख लेते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा। जागी जागी रातें मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह, जब तक है ये सांसें मेरी इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। ये फीडबैक से हमें देखना पड़ेगा कितनी जल्दी आवाज़ रिपीट होके आ रही है। अगर तुमने मेरी रिवर्ब और डिले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख सकते हो, उससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हाँ कैसे किसी ऑडियो को रिवर्ब और डिले दिया जाता है। अभी सुन लेते हैं स्टार्टिंग से फाइनल रिजल्ट को। जागी जागी रातें मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह,
जब तक है ये सांसें मेरी, इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ, तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं, खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।